हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे हैं, सब घर पे हैं, सब सेफ हैं। तो यस, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं ये मेकअप लुक का क्या है, तो ये मेकअप लुक मैंने शूट किया है, आप लोगों को जल्दी देखने मिलेगा, या हो सकता है इससे पहले ही मिल गया वो। तो यस, तो चलिए आज ना मैं आप लोग के साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ। इट इज गोइंग टू बी अ मिनी हॉल। बहुत सारे आइटम्स नहीं है, लाइक जैसे मेरे पहले होते थे, बहुत सारे नहीं है। कुछ आइटम्स हैं बट दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच लाइक आप लोगों को पसंद आएंगे। एंड मोस्टली दे आर मेकअप दिस टाइम। मैं अभी तक कंटिन्यूसली बहुत टाइम से स्किन केयर ले रही थी, बट फाइनली आई हैव बॉट सम ऑफ द मेकअप आइटम्स नाउ। तो यस, तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच फुल वीडियो अगर आप लोगों को देखना है व्हाट ऑल आई गॉट। ओके, तो आज का जो हॉल है दैट इज फ्रॉम पर्पल हॉल आई एम गोना शेयर। तो चलिए, सबसे पहला प्रोडक्ट जो मेरे हाथ में आता है वो है ये मेबेलिन सुपर स्टे फाउंडेशन। ये इसका ना गाइस बहुत ज़्यादा हाइप है एज यू ऑल नो मार्केट में, कि बहुत लंबा टिकता है, बहुत अच्छा है, इजी ब्लेंडेबल है एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसीलिए मैंने सोचा आई शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई। तो मैंने जो शेड अपने लिए लिया है दैट इज 120 क्लासिक आइवरी, द सेम शेड दैट आई हैव इन मेबेलिन फिट मी, उसमें भी मेरा सेम शेड है, इसीलिए मैंने सेम इसमें भी लिया। एंड इसका एक सेपरेट रिव्यू मेरे चैनल पर डेफिनेटली बहुत जल्दी आने वाला है, to wait for that and check that out कि कैसा होने वाला है ये। तो पहला है ये आइटम एंड द प्राइस फॉर दिस इज 750 rupees। Although I got it in some discounted price, but yeah, MRP is 750. Next item that I have is this Biotique shampoo. This is onion black seed shampoo for fresh, strong, shiny hair. तो as you can see already मैंने इसको use करना start कर दिया है। I have used it couple of times now, like दो तीन बार मैंने किया है। तो yes, it is now hair. तो मैं इसका भी रिव्यू जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये इनका नया लॉन्च था, लाइक कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। तो यस, दिस इज द शैम्पू। नेक्स्ट आइटम इज अ लिपस्टिक। दिस इज द इनसाइट मैट लिपस्टिक, लॉन्ग वेयर, ट्रू कलर, सुपर लॉन्ग लास्टिंग एंड व्हाट नॉट, दे से वन स्ट्रोक एप्लीकेशन एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। एनीवे, द शेड दैट आई हैव इज कॉल्ड हाई हील्स A12। मुझे ना बस एक रैंडमली लेनी थी लिपस्टिक तो मैंने ले ली, बट दिस इज सच, इट इज लाइक ब्राउन है या मरून है, वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट लाइकिंग द शेड। इट इज डीप डार्क मरून शेड एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, ऑल्दो इट फील्स क्रीमी। मैंने अब तक इसको अपने लिप्स पे यूज नहीं किया है, बट या दैट्स द शेड। लेट्स सी हाउ आई कैन यूज दिस। दिस इज दैट लिपस्टिक। इसका प्राइस एक्चुअली ना गाइस, इसमें ना प्रॉब्लम हो गई। मैंने जो जैसा इसको देखा था वहाँ फोटोज में, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला, बिकॉज मैं जनरली इतना डार्क शेड नहीं लगाती हूँ, तो मैं क्यों लेती। बट अब उसमें फोटोज के संग प्रॉब्लम हो गई। एनी वे, MRP फॉर दिस इज 80। दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल। अगर आपको ना देखना है तो आप कोई और शेड इसमें देख सकते हैं पर्पल पे, तो यू माइट लाइक इट, बट या फॉर दिस वन आई एम नॉट अ फैन ऑफ। एनी वे, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव इज स्विस ब्यूटी इंटेंस जेल काजल इन द शेड पर्ल वाइट। मुझे ना एक्चुअली एक वाइट काजल या आईलाइनर लेना था, बिकॉज मेरे पास जो ऑलरेडी है वो सूख गया है, वो काम नहीं करता है अभी, इसीलिए। तो मैंने जब देखा तो अफोर्डेबल में एंड गुड क्वालिटी में मुझको ये अच्छा दिखा, ऑल्दो मैंने इसको अब तक यूज नहीं किया है। लेट्स सी, मैं आप लोगों के साथ ही इसको पहला स्ट्रोक लेती हूँ। Nice, it's very creamy guys, it's very creamy and it has sheen also to it, it's good, I'm definitely gonna like this one। तो चलिए, एक ये मैंने eyeliner pencil लिया, eyeliner or kohl, whatever you want to say। Another lipstick I got is this one, this is again from the Swiss Beauty matte lip ultra smooth lipstick, the shade that I have is 18 electric pink and ये भी अभी तक मैंने खोला नहीं है। इसका सील आप लोगों के सामने ही मैं खोल रही हूँ। दिस लुक्स वेरी नाइस। इसका मैं स्वॉच आपको यहाँ देती हूँ। ओह द शेड, दिस आई एम गोना लव। मुझे ये शेड ना एक्चुअली, एक और मेरे पास लिपस्टिक थी जो अभी फिलहाल सूख गई है, उसका रिमाइंड करता है। एक मेरे पास ब्लू हेवन में थी लिक्विड लिपस्टिक जो ना अभी खत्म हो गई, रेसबेरी लव करके उसका नाम है, सिमिलर काइंड ऑफ शेड है। ऐसा ही एक मेरे पास मुझे याद है शुगर लिक्विड लिपस्टिक में भी है, बहुत ही प्रिटी है।
इट्स नाइस, जैसा इसका नाम है ना इलेक्ट्रिक पिंक, वैसा ही ये शेड है. आई एम गोना लव दिस वन. ओके, अगेन अनदर लिप प्रोडक्ट फ्रॉम स्विस ब्यूटी इज दिस लिप ग्लॉस. एक्चुअली ना अभी इट इज इन ट्रेंड अगेन, द ग्लॉसी लिप्स आर कमिंग इन ट्रेंड. तो मेरे पास मोस्टली मैट लिपस्टिक्स हैं बिकॉज मैं हमेशा से मैट लिपस्टिक पर्सन थी. पहले भी जब लाइक यूट्यूब नहीं था, मैं तब भी मैट लिपस्टिक पर्सन ही थी. तो इसीलिए मेरे पास ना ग्लॉसी लिपस्टिक्स नहीं है, एक दो ही होगी वरना नहीं है. इसीलिए मुझे उनको अगर उनको कैसे यूज करेंगे ट्रेंड में ग्लॉस है, तो इसीलिए मैंने एक क्लियर ग्लॉस लिया है. आई डोंट नो कैमरा इज पिकिंग और नॉट, बट ये काफी अच्छा है. इट्स क्वाइट स्मूथ टू यूज, इट लुक्स नाइस. लेट्स सी, अब तक मैंने इसको भी यूज नहीं किया. आपने देखा ही कि मैंने इसका सील भी अभी ही खोला. एंड इसका प्राइस इज गाइज, प्राइस मैं इसको प्राइस ना, ओके इसका प्राइस ना गाइस मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. आई कैन नॉट सी इट हेयर एनी. हाँ ओके, यस इट इज 199 फॉर द ग्लॉस. एंड जो लिपस्टिक थी दैट इज अगेन 199. एंड दैट वाइट लाइनर वॉज फॉर रुपीज, आई कैन नॉट सी द प्राइस ऑफ दिस. ओके गाइज, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन इसका प्राइस. मुझे नहीं दिख रहा है पैकेजिंग पे कहीं भी. ओके यस, आई फाउंड इट, 299. बट मैंने जब ये ऑर्डर किया था ना, तो स्विस ब्यूटी पे उस दिन काफी ज्यादा डिस्काउंट था, तो मैंने इसलिए बल्क में चीजें ले ली. ओके एनी वे, मूविंग फॉरवर्ड. हाँ एक ये मेरे को, यस नाउ आई रिमेम्बर, मेरे पास ना इतना शॉपिंग करने के बाद स्विस ब्यूटी का एक नेल पेंट मुझे फ्री में मिला है. दिस इज सच अ नाइस, लाइक बीड्स है इसमें, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ट्रेंडी भी बोलूंगी मैं. इट इज लाइक जैसे नेल आर्ट होता था उस टाइप से, इट इज नाइस. तो ये मुझे फ्री मिला है. इसका प्राइस तो उन्होंने दिया नहीं होगा बिकॉज इट्स अ फ्री आइटम. आई एम थिंकिंग ऑफ, नहीं दिया है. द एम आर पी फॉर दिस इज 199 एंड द शेड इज 06. सो यस दैट्स दैट. नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव इज दिस बेबी राइट हेयर. दिस इज द पर्पल कोल आई पेंसिल इन द शेड ब्लू. ब्लू कोल है ये, लेट मी शो यू गाइस. इट लुक्स लाइक दिस. शार्पेबल है, मतलब शार्प करना है आपको इसको जब ये खत्म हो जाए. नाइस, प्रिटी नाइस, अच्छा शेड. इसमें भी हल्का सा शीन है, इसमें शिमर नहीं है, शीन है. इफ आप लोगों को समझ में आ रही है बात, तो इसे पार्टिकल्स नहीं है बट इट इज शाइन. तो या दैट्स दैट. आई एम श्योर ये भी मुझे बहुत पसंद आने वाला है. एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट मेरे पास आइटम है. दिस इज अ शुगर आई टोल्ड यू सो स्मज प्रूफ आईलाइनर इन द शेड फॉक्सी ब्राउन 04. ये एक ब्राउन लिक्विड आईलाइनर है. मेरे पास जितने भी लिक्विड लाइनर्स है ना वो सारे ब्लैक है, इसीलिए मुझे एक डिफरेंट चाहिए था, तो मैंने ये वाला ले लिया इस बार. एंड ये जो है दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव गाइज. इसका प्राइस ना मैं बोलती हूँ, हाँ 699 इज द प्राइस, मतलब 700 रुपये का है, तो इट इज प्राइस ही आई वुड से. एंड ये मुझे ना थोड़ा सा लाइक इसमें ना वो भी लग रहा है, इसका जो ये टिप एप्लीकेटर है ना दैट इज क्वाइट हार्ड, हार्ड भी है एंड ये बहुत लंबा है. मुझे नहीं लगता कि ये हाथ को ना थोड़ा डिसबैलेंस कर सकता है. लेट्स सी व्हेन आई विल ट्राई कि ये कैसा होता है. ऑल्दो इट ड्राइज मैट एंड एकदम ब्राउन ही है, ब्लैक नहीं लगेगा ये कहीं से भी, तो इट्स ब्राउन ओनली. तो आई ये भी मुझे वैसे अच्छा लगने वाला है. लेट्स सी जब यूज करेंगे तब कैसा होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट आइटम दैट आई हैव इज ओके माय फेवरेट आइटम, मेबेलिन बेबी लिप्स ब्लूम दिस वन. मेरे पास ऑलरेडी इसका दूसरा शेड है जिसको ना मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, लाइक बहुत सालों से लिटरली, तो वो मेरा खत्म होने आया एंड मुझे अगेन ये ही लेना था. मेरे को सेटिस्फेक्शन इसी से मिलता है बिकॉज इट हाइड्रेट्स द लिप्स, हल्का सा टिंट ऑफ कलर भी आता है, तो डेली यूज में ना आई जस्ट लव यूजिंग दिस. तो जो शेड ये वाला है द शेड इज पिंक ब्लू. जो दूसरा था आई डोंट रिमेम्बर द शेड, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी. तो या द प्राइस फॉर दिस इज 180 रुपीज. आई एम सो हैप्पी एनीवे. तो यस उस दिन ना वो मेबेलिन पे भी ऑफर था, मतलब मैंने फाउंडेशन लिया था एंड ये लिया था क्या कहते हैं बीबी लिप्स. तो मुझे उस दिन एक क्यूटू छोटू सा
सुपर स्टे मैट लिपस्टिक फ्री आया है एंड द शेड दैट आई हैव रिसीव्ड इज 08 रूलर. तो छोटा छोटा लिखा है ना कि वो पढ़ने में नहीं आ रहा था. या द शेड इज रूलर बट आई अभी मैंने इसको भी नहीं खोला है. लेट्स सी हाउ इट दिस बेबी वर्क्स बिकॉज ये न्यू लॉन्च है, न्यू लिपस्टिक्स है मेबेलिन की एंड ये भी बहुत ज्यादा मार्केट में इस वक्त हाइप्ड है. तो लेट्स सी हाउ दिस बेबी परफॉर्म्स. देखने से तो ये ब्राउन शेड लग रहा है, यहाँ से ब्राउन या व्हाट शुड आई मूविश कलर, बट लेट्स सी जब इसको खोलेंगे तब देखेंगे. इसका स्वॉच मैं आप लोग को अभी नहीं देने वाली हूँ बिकॉज इसका ना मैं एक छोटा अपने इंस्टा पे वीडियो डाल दूंगी या रील डाल दूंगी और इंस्टा वीडियो या यूट्यूब पे शॉर्ट डाल दूंगी इसको यूज करते हुए. तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं खोल रही हूँ एंड एक्चुअली ना इसका टेपिंग बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम लगेगा इसको ओपन करने में. तो या दैट्स दैट एंड गेस व्हाट, आवर हॉल इज ओवर नाउ. सो दिस टाइम आई वुड से मैंने बहुत सारे लिप प्रोडक्ट्स खरीदे हैं एक्चुअली ना. लाइक इफ आई वुड से जब यूट्यूब से पहले आई वॉज अ लिपस्टिक होल्डर, मुझे लिपस्टिक्स और नेल पेंट्स का इतना ज्यादा शौक था, आई वॉज क्रेजी अबाउट देम. बट अभी ना क्या हुआ, लास्ट इवन लाइक यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद भी मैंने काफी लिपस्टिक्स लिए, बट जैसे ही लॉकडाउन का सिचुएशन लास्ट ईयर हुआ, कोविड इतना बढ़ गया तो लिपस्टिक्स का यूजेज एज यू पीपल नो कम होता गया बिकॉज ऑफ मास्क थैंक्स टू कोरोना. तो या तो इसीलिए ना फिर मेरे लिपस्टिक्स जो है एक्सपायर होने लगे, खराब होने लगे. तो इसीलिए वो बड़ा डिसहार्टनिंग होता है गाइस जब आपका कोई भी प्रोडक्ट लाइक आपने पे करके खरीदा है, यू हैव पेड द मनी फॉर दैट एंड देन वो फिर एक्सपायर हो जाए बिना यूज किए, फिक जाए, ऐसे फेंकना पड़ता है. तो इट हर्ट्स अ लॉट. इसीलिए मैंने लिपस्टिक्स लेना बंद कर दिया था, बीच में एक दो ही बाई चांस लिया वरना नहीं ही लिया. बट अब वही ना, बहुत टाइम से नहीं लिया तो इसीलिए आई वॉज क्रेविंग फॉर इट. तो मैंने इस बार ले लिया. तो मैंने इस बार दो लिपस्टिक्स लिए और एक एक लिप ग्लॉस लिया खुद से. ऑल दो एक लिपस्टिक बैकफायर कर गई वो इनसाइट वाली, बट द स्विस ब्यूटी दिस इलेक्ट्रिक पिंक आई एम जस्ट वेटिंग टू यूज दिस. इसका भी ना मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी. एंड दिस बेबी लिप्स, ये तो खैर मेरा स्किन केयर में आता है. तो या दैट्स दैट. सो या दैट इज ऑल फॉर दिस हॉल वीडियो गाइज. आई होप आपको अच्छा लगा हो मेरा ये मिनी क्यूटू हॉल. अगर अच्छा लगा है तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. टिल देन सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय, टेक केयर.